ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು 1978ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಟಿಎಂಸಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ, ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದಿನದ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಕಾರಣ. ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಎಲ್ಇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕವಟಗಿಮಠ, ಸಂಜಯ ಕವಟಗಿಮಠ ಪುರಸಭೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಮಹಾಂತೇಶ ನಿಡೋಣಿ, ಅನಿಲ್ ಮಾನೆ, ಮಹೇಶ್ ಭಾತೆ, ರಾಮ ಮಾನೆ, ಅಕ್ರಂ ಆರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. तो मैं बहुत साल बाद वापस आया हूँ. बहुत खुशी की बात है सबको मिलकर. यहाँ चिकोड़ी में कितना प्रगति हुआ वो सब देखो. नानू भाला वीर चौधरी नंतर इंदे बंदी थे ना मन में बड़ा खुश है. धन्यवाद यार देख लो ये वाला है कि नहीं सर हो रहे हो रहे सर एक मिनट. आप फोटो ले सर कितने साल पहले थे? 45 साल के बाद वापस आया. तो उस समय तो चिकोड़ी छोटी जगह थी. बहुत चेंज आया है. मैं तो पहचान नहीं पाया कि क्या क्या हुआ है. पर मुझे खुशी खुशी की बात यह है कि मैं बहुत चेंज देख रहा हूँ और अच्छा चेंज देख रहा हूँ. जैसे एजुकेशन का है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, मैंने विंड पावर देखा. तो ये है, ये मोदी जी के कार्यकाल में ये भारत में इतना प्रगति हुआ है उसका उसको चिकोड़ी में भी देखने को मिलता है. बहुत अच्छा लगा मुझे. पर मुझे बहुत माने यहाँ बहुत मेमोरीज हैं उस समय के. तो सुना है आपकी शादी भी यहीं हुई थी? नहीं नहीं, मेरी शादी कुछ महीने पहले हुई थी. हाँ. तो उसके शादी के बाद कुछ महीने बाद मैं आया था. तो मेरी वाइफ आई थी यहाँ मेरे. अच्छा सर, अभी क्या चेंज लग रहा है आपको इधर चिकोड़ी में? अरे क्या, जमीन आसमान का चेंज हो. आप 45 ईयर्स की बात कर रहे हैं. 45 ईयर्स में चेंज हो गया. बहुत बहुत फर्क है सर. अभी कुछ पॉलिटिकली आप इस बार क्या एमपी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? सर सुना है कि आप भी लड़ रहे हैं. नहीं नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें सुना होगा. जो जो होगा वो आप देखेंगे. नहीं सर, ऑलरेडी रूमर सर देर सर
Nirmala and Nirmala Sitaraman and you are contesting from the Karnataka state, see, sir. That's okay, you know, it is media's job to speculate. It is our job to do what party asks us to do. It is a pleasure moment, sir, if you contest from this constituency. Sir, बहुत से लोग अभी सर ऐसे बहुत से लोग फंसे हुए हैं सर उनको लाने के लिए क्या करें बाहर देश में बहुत से लोग अभी तक फंसे हुए हैं बोलके एक रूमर से कलबुर्गी के वगैरह बहुत से लोग रशिया में सर नहीं कलबुर्गी का विषय जो है खाली कलबुर्गी का नहीं है मैंने कुछ और भी हैं मैंने जो वहाँ जो कुछ MPs ने हमें लेटर भी लिखा था मैंने उसका जवाब भी दिया कि अलग अलग स्टेट से कुछ जवान लोग जो हैं वो उनको मैंने गलत बता के उनको सर्विस वहाँ सर्विस में दाखिल किया गया और नहीं बहुत नहीं है पर काफ़ी संख्या में वो तो देश के सभी तरफ से सभी राज्य अलग अलग स्टेट कुछ एक जैसे मुझे एक आया था एक कश्मीर का नौजवान था तो कोई यूपी का था तो ये एक स्टेट से नहीं है ये मैं कहूँगा कम से कम 6-7 स्टेट से तो हम इसकी जांच करा रहे हैं इसका डिटेल ले रहे हैं हमारे पास एक लिस्ट है कि कौन कौन गया है क्या हो रहा है पर ये लिस्ट मैंने इसमें कभी कभी और भी नाम आ जाते Bureau Report Raju Munde Bharat Vaibha News Chikkodi Thanks for watching read discuss and debate with editor Dr Yan Prashant Rao wanted reporters in print digital and visual media for Bharat Vaibha Daily newspaper BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka if interested send your resume to 948263333